दोस्तों मैं आज का इस वीडियो बताने वाला हूं, अगर आप फोन पे यूज़र है, रेगुलर आप यूज़ करते हैं तो आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि जानते हैं, अगर आप फोन पे यूज़ करते हैं तो यहाँ पर 6 मंथ से लेकर 9 मंथ का आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो जरूर शुरू से आखिर तक देखें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। छोटा सा जानकारी पर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फोन पे को लॉगिन कर लेना, और लॉगिन करने के बाद देखें यहाँ पर हिस्ट्री वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, जितने भी आपने ट्रांजेक्शन किए, जितने भी आपने लेन देन किए, वो यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। तो अगर आप 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक निकालना चाहते हैं तो क्या करना, आप यहाँ मंथ वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए 9 मंथ का शो कर रहा है, ठीक है। तो जिस भी मंथ का अगर चाहते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जितने मंथ सारे का एक साथ देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ सभी पर टिक मार्क इस तरह से लगा देना है, ठीक है। इस तरह लगाने के बाद उसको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देखिए कैटेगरी, आपको इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मर्चेंट पेमेंट, मनी रिसीव, रिचार्ज, बिल पेमेंट, मनी सेंड, आपको जिस टाइप का हिस्ट्री देखना चाहते हैं आपको उस पर टिक मार्क लगाना है, ठीक है। अगर आप सभी के चाहते हैं तो आपको सभी पर टिक मार्क इस तरह से लगा देना है, ठीक है। उसको अप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल्टर वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करें यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फेल और सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपको दोनों में से जो भी चाहिए आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं सक्सेसफुली पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अप्लाई जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जो है 9 मंथ का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। उसको कैटेगरी पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ जो सेलेक्ट करें यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर सिर्फ रहने देते हैं मनी रिसीव, ठीक है। उसको अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो जितने मनी आपने रिसीव किया वही यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर जितने आपने रिसीव किए वो यहाँ पर शो करेगा। इसी तरह से अगर आपने रिचार्ज खाली सिर्फ किए हैं उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ सप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो भी रिचार्ज आपने किए वो यहाँ पर आपको शो करेगा। तो इस तरह से फिल्टर करके आप एक करके देख सकते हैं, आपको सभी चाहिए तो सभी पर आपको टिक मार्क लगाना, इस तरह से अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो सारा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसको सारे डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है देख सकते हैं, और यहाँ से आप उसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं यहाँ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जानकारी आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करें।